चलो नेक्स्ट गाइस, टीम कोड ये आप लोग आ सकते हो, मोबाइल पीसी कोई भी प्लेयर, सिर्फ रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने बताई है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगले प्लेयर है हमारे फ्री स्टाइल गॉड। ओह वाओ, समथिंग डिफरेंट। तो भाई फ्री स्टाइल गॉड नाम है तुम्हारा, और मतलब क्या, कैसे, किस तरीके से खेलते हो? अरे मैं फ्री स्टाइल भी खेल लेता हूँ, एक्यूरेसी भी थोड़ा सा अच्छा है। मैं NPL सीजन 3 भी खेला था, लेकिन तब मेरे साथ एक सीन हो गया था, पहले मैच में हार गया था क्योंकि लाइट चली गई थी। मैं वाईफाई से खेलता हूँ और घर में नेटवर्क नहीं आता सही से। अरे चले कोई नहीं, गेम खेलते। और मैं सिलेक्ट इस वजह से हुआ था, डाउट भाई की स्ट्रीम पे मैंने मैड मैक्स भाई को 7-2 से हराया था। ओ माय गॉड, ठीक है। बाकी और कुछ, किसी को कुछ कहना हो अब बोल, यहाँ पे जाने वाला है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। अच्छा ये और बता दो, तुम खेलोगे क्या अगर रेस्टार ब्रो तुम्हें मौका मिलता है, तुम क्या करोगे? ठीक है चलो, मेरी मर्जी पे छोड़ दिया ना, मैं ठीक है करा दूँ। फ्री स्टाइल गोड भाई तुम्हारा? मेरे को 1v1 में ज्यादा मजा आता, फिर आपकी मर्जी। चलो तो गाइस पहले प्लेयर है यहाँ पे रिज स्टार, और सेकंड प्लेयर है अपने शुभम। शुभम इसमें एकमात्र पीसी प्लेयर है, और फिर उसके बाद में है फ्री स्टाइल। तो पोल मैंने डाल दिए, क्या हुआ मेरे को भी वोट डल रहे हैं जिसको मेरे स्टैट्स पसंद आए हैं। अरे यार 56%, 3000 वोट होते ही, अभी समय है, 3000 वोट होते ही हम लोग। चलो 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 भाई, 3000 वोट हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट। 26% हमें मिले हैं रेस्टार को, शुभम पीसी को मिले 23, और फ्री स्टाइल को मिले हैं गाइज 51%। आई थिंक गाइज क्या करना चाहिए, रेस्टार दो, रेस्टार कितनी बार आया तेरे को, बंदे वोट ही नहीं करते हैं, क्या कर सकता हूँ, कितनी बार आया तू? अरे पता नहीं क्या, अरे यार किस्मत ही नहीं है मेरा, कल परसों एक बार आया था ना, उसके बाद आज एक बार आया। चलो कोई नहीं, तो यार अगर ये बंदा इतने टाइम से आ रहा है ना, तो एक काम कर लेते हैं, रेड स्टार इसका पहले 1v1 करा देते हैं, जो भी जीतेगा वो एनजी प्लेयर से, क्योंकि ये बंदा इतने टाइम से आ रहा है और नहीं हो रहा है। बाकी तो रूल्स पता ही है भाई, आलोक कैली लगा लो जल्दी से। हमारे सामने आ चुके हैं फ्री स्टाइल गॉड, जिन्होंने दावा किया है कि मैडमैक्स को भी बंदा हरा चुका है, और मैडमैक्स लिटरली आजकल की जो उसकी फॉर्म है ना अलग लेवल चल रही है। तो भाई 7-2 हराना ये कुछ ज्यादा डिफरेंस है, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं। तो अभी हम लोग गेम देखेंगे, और इसके पास दोनों तरीके, फ्री स्टाइल भी खेल लेता है बंदा, एक्यूरेसी वाले तरीके से भी खेल लेता है, जैसे एंग्री और जियोस तुम्हें ग्रैंथ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, और फ्री स्टाइल में मैडमैक्स और जीरोक्स। सामने है यूजी रिस्टार, और ये बंदे में भी बहुत दमखम है, क्योंकि अगर इस प्लेयर की बात की जाए तो जर्नीस की कहां से स्टार्ट हो रही है इसको मैं तब से जान रहा हूं, जब ये पहली बार आया था कि ज्ञान गेमिंग टेस्ट में ये बंदा पास हो गया, उसके बाद में यूजी के लिए टेस्ट दिया वहां पे भी पास हो गया, बट एनजी के लिए इसने पहले टेस्ट दिया था, हार गया था बंदा, और अब ये बंदा एनजी के लिए दोबारा टेस्ट देने आया है। तो अब देखते हैं, खैर एनजी का टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो यहाँ पे रहता है, बट देखेंगे भाई क्या आज निकाल पाएंगे। बट पहले दोनों ही प्लेयर्स के बीच में ये बैटल रहेगा 1v1 का, देखते हैं क्या होता है, चलिए फाइंड आउट करेंगे। फिर से कनेक्शन, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहां पे किधर है? ओहो, शॉटगन का हेड, ओहो, और खत्म करेंगे इस हेडशॉट के साथ में। बट बंदा चांस ले रहा है, तुम देखोगे आधी बॉल भी नहीं लगा रहे यार, यही तो चाहिए था यार पिछले एक साल में ना, मतलब जैसा होता है ना यूट्यूबर का यार, और स्टार का कमबैक आता हुआ मैच, और इंटरेस्टिंग यहां पे बनता हुआ। एंग्री का भी पोल में नाम डालने वाला, एंग्री बोलेगा आज फिर से गद्दारी हो जाएगी अगर नहीं मौका मिला, इसलिए मैं भी। और ये लो भाई एक और हेड यहां पे, ये बंदा लगा था और मैच को अब यहां पे एक तरफा करता हुआ 6-2 अब यहां पे स्कोर हो चुका है। करता हूं मैं जल्दी कॉन्टेक्ट और आप लोग अपडेट देता हूं, और लीजिए फ्री स्टाइल गॉड 7-2 से यहां पे इस गेम को फिनिश यहां पे करते हुए, बट मानना पड़ेगा इस प्लेयर को, और अब एक असली गेम यहां पे होने वाला है, मतलब अब पता चलेगा इस बंदे में कितना दम है, एनजी प्लेयर के अगेंस्ट वर्सेस होगा, तो लेवल अब यहां पे पता चलेगा कितना लेवल इस बंदे ने अपना सेट किया है यहां पे। तो भाई एंग्री आ चुका है यहां पे, फ्री स्टाइल आ चुके हैं, और आप लोग क्या लगता है भाई ये फ्री स्टाइल गॉड या फिर एंग्री कौन इस गेम में बाजी यहां पे मार सकता है? सूरज सिंह, थैंक यू फॉर योर सुपर स्पीकर, अपनी मूवमेंट स्पीड बढ़ा चुके हैं एंग्री को आते ही, और फास्ट लग रहे हैं अब, थोड़ा पीसी प्लेयर का फील यहां पे आ रहा है, और ये क्या है शॉट यहां पे लगा है फ्री स्टाइल ने। चलिए बढ़ते हैं एक और राउंड की तरफ, फुल है 8-1 यहां पे, और एंग्री
ये राउंड में तो भाई पता ही नहीं चला है। फ्री स्टाइल को आज के दिन पहले गेम में अच्छे टच में नजर आए पर नहीं, एक बार फिर एंग्री ये राउंड अपने नाम करते हुए। चलिए फ्री स्टाइल, कम बैक आता हुआ फ्री स्टाइल का, ब्रेक यहाँ पे काम की जरूर है। चलिए बढ़ेंगे मैच इंटरेस्टिंग बनाते हुए यहाँ पे फ्री स्टाइल को, यार एक और राउंड में कम बैक कर दिया ना। ओह नो यार, ये तो मेरे कहते ही मेरी बात फॉलो कर रहा है भाई। यार आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आज का पहला ही जो मैच हुआ है ना, अनबिलीवेबल कमबैक यहाँ पे फ्री स्टाइल के लिए ओपी हो जाए भाई। लिटरली क्या कमबैक किया है बंदे ने, अनबिलीवेबल। और डीगल से ये मैच फिनिश करते हुए और एंग्री को ही आते ही यहाँ पे डिफीट करते हुए 7-6 से, बहुत ज्यादा क्लोज गेम था, नेक टू नेक। जी हाँ, गेम यहाँ पे अपने लिए बनाता हुआ। क्या इस बार हम लोग ग्रैंड से या फिर जीरोक्स के अगेंस्ट मैच करें, क्योंकि यार बंदे ने गेम देख के स्टार्टिंग में हम लोग अच्छा लग रहा था और अब यहाँ पे कमबैक जो किया है ना, अब है यहाँ पे एनपीएल सीजन 4 का जो चैंपियन है ग्रैंड, उससे वर्सेस करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। क्या लगता है गाइस ये गेम कितने में फिनिश करेगा ये बंदा? चलो करते हैं ये गेम को स्टार्ट। चलिए यहाँ भी गो सीजन 4 के चैंपियन, क्या इनके आगे यहाँ पे फ्री स्टाइल टिक पाएगा कि नहीं? जी हाँ, डीगल स्ट्रॉन्ग वेपन, ग्रैंथ ग्रैंथ एक तरीके से देखा जाए, ग्रैंथ के कनेक्शन। और इस बार ग्रैंथ जंप करके हेडशॉट लगाते हुए शुरुआत यहाँ पे ग्रैंथ ने कर दी है यहाँ पे। अब ऐसे यूआईडी से नहीं, अगर मेरे को ग्रुप में बंदे अच्छे नहीं मिल रहे ना, फिर मैं बोल दूंगा कि सुपर चैट करो आप लोग। चलिए पहला राउंड निकाल दिया फ्री स्टाइल, दो शॉट यहाँ पे मिस करते हुए, बट नहीं, ग्रैंड बिल्कुल क्लोज में आके और दोनों ही प्लेयर वॉल नहीं लगा रहे थे, एंग्री की तरह शुरुआत करते हुए यहाँ पे ग्रैंड, लेट्स गो फ्री स्टाइल ब्रो। नहीं, शॉट मिस यहाँ पे, बट फ्री स्टाइल के तकड़े हाथ गर्म हो गए होंगे, दो मैच खेल गए, इतना जबरदस्त वार्म अप और जीता भी है, कॉन्फिडेंस टॉप पे होगा। बट ग्रैंड भाई बिना वॉल के खेल रहे हैं, बट ग्रैंड यहाँ पे एक्यूरेसी प्लस प्लस दिख रही है, बट एक तरफा। फ्री स्टाइल को कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। ओके, अच्छे प्लेयर, ओ नहीं, 4-0 यहाँ पे इसको। ओके चलिए, क्योंकि ओके लेट्स सी लेट्स सी, ओहो इस राउंड में राउंड स्टार्ट होते खत्म हो जा रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये? 4-1 इसका कमबैक आता हुआ फ्री स्टाइल का, और ये क्या सुपर कमबैक होगा? ज्यूस हो गया, एंग्री हो गया, ग्रैंथ हो गया, एलिवेटर हो गया, तो तुम देख लो जो जो चैंपियन बने हैं वो किस लेवल पे आज। ऑल लीजिए कमबैक, एक ही राउंड निकाला था भाई, तुरंत ही वो वापसी कर लिया ग्रैंथ ने, बट ग्रैंथ अच्छा मार रहा है यार, 5-1 एक्यूरेसी बहुत ही प्यारी, जैसे फ्री स्टाइल ने आज बता दिया। चलिए बट कम बैक 5-1 से, जी हाँ 5-1 स्कोर हो चुका है, यही से बंदे ने कम बैक किया था, क्या कम बैक फ्री स्टाइल अब यहां पे करेगा? ओह नहीं, 6-1 भाई, ग्रैंथ ने तो मैच पूरा एक तरफा मार दिया यहां पे। ओके फ्री स्टाइल 6-1 यहां पे स्कोर फ्री स्टाइल एक बार फिर से, बट मेरे को लगता है इस राउंड में सब कुछ सही था, थोड़ा एक्यूरेट शॉट ही नहीं हुए, क्योंकि बिना ग्लू वॉल एक्यूरेसी वाले प्लेयर के सामने बंदा खेल रहा है ना, ये धक्का देता है भाई सच में। ओके, 4 दिन की बात है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए 6-2 यहां पे इसको, और ये यू है भाई, जीवन 18 लेके आ गया या फिर यूएसपी कौन सी का, नहीं ये शॉट का डेजर्ट ईगल तो भूल ही गया ग्रैंथ इस बार। लीजिए बट डेजर्ट ईगल की जरूरत यहां पे इस प्लेयर को नहीं पड़ेगी, 7-2 से ग्रैंथ फिनिश करेंगे, और बता दिया है कि क्यों चैंपियन ये बंदा बना है यहां पे एनपीएल सीजन 4 का। जी हां, मैच को बिल्कुल एक तरफा यहां पे निकालते हुए जी यहां पे हो जाए फ्री स्टाइल के लिए भी भाई सल्यूट है कि इतना प्यारा आज उस बंदे ने खेला है, और अब एनजी के लिए जो उसके रास्ते हैं बहुत हद तक यहां पे खुल चुके हैं उस प्लेयर के।